अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने फाइनली अपने से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज खोला है और बताया कि बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स में भी रूपाली बाल्टी मग से ही नहाती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। टीवी के फेमस शो अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अपने इस शो की वजह से घर घर में फेमस है। रूपाली गांगुली ने अपना एक ऐसा सच रिवील किया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। उन्होंने बताया है कि शावर की जगह बाल्टी भरकर उसी पानी से नहाया करती हैं। अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने ये सच खुद रिवील किया है और बताया कि इसके पीछे वजह क्या है। रूपाली गांगुली ने बताया कि उन्होंने काफी पहले से शावर लेना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब रूपाली ने जो वजह बताई है उसे सुनकर शायद आप एक बार फिर से रूपाली के मुरीद हो जाएंगे। बेसिकली एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान बातचीत के दौरान रूपाली ने बताया कि वह शावर से नहाना काफी पहले से बंद कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो जब किसी फाइव स्टार होटल में भी रुकती हैं तो स्टाफ से बाल्टी और जगह मांगती हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा करना थोड़ा शर्मिंदगी भरा हो जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपाली ने कहा कि मैं अपने पुराने कपड़े भी नहीं हटाती, मैं स्टेटस के लिए गाड़ियां नहीं बदलती, बल्कि वो बस मेरी जरूरत है। मेहनत की कमाई को यूं बर्बाद ना करें। दरअसल रूपाली को लगता है कि शावर से नहाने से पानी काफी बर्बाद होता है और बाल्टी से नहाने की यही है एक बड़ी वजह। तो आपको भी मिली है अनुपमा फेम रूपाली गांगुली से एक बहुत बड़ी सीख। उन्होंने कहा कि हमारे प्लेनेट पर सब कुछ है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें ये सोचने की जरूरत है। अनुपमा ने कहा कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज एक्सेसिव वेस्ट ना हो जाए। तो ऐसे में रूपाली गांगुली ने जो ये तमाम बातें बताई हैं और इसके सीक्रेट्स का राज खोला है कि वो आखिरकार बाल्टी से क्यों नहाती हैं फाइव स्टार होटल्स में भी, इसे जानकर आपको क्या सीख मिली है और आप क्या कहना चाहेंगे।